हेलो फ्रेंड्स, निकीज किचन में स्वागत है आपका। आज मैं बना रही हूँ क्रिसमस केक, जिसके लिए मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी, कीवी, क्रैनबेरी, रेजिन, पाइनएप्पल, एप्पल, और ये सब सूखे हुए हैं, ये देखिए ड्राइड हैं। अब हम इन्हें सोक करेंगे ऑरेंज जूस और वाटर के साथ। ये लिया मैंने ऑरेंज जूस और वाटर, और अच्छी तरह से मिलाकर इस तरह से रख देंगे। और इन्हें सोक करने के लिए कम से कम आप एक दिन के लिए इसी तरह से छोड़ दें, कवर करके एक दिन के लिए छोड़ दें। ये देखिए हमारे ड्राइड फ्रूट्स सोक हो गए हैं। अब हम आगे देख लेते हैं और हमें क्या क्या लगेगा केक बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने लिया है मैदा, ब्राउन शुगर, ऑयल, कर्ड। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं काजू, बादाम, अखरोट, वेनिला एसेंस, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जिंजर पाउडर, सिनेमन पाउडर, क्लोव पाउडर। तो चलिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स सीव कर लेते हैं। तो चलिए सीव कर लेते हैं। मैंने लिया मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जिंजर पाउडर, सिनेमन और क्लोव पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरह से सीव कर लेते हैं। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब मैं दूसरा बोल ले लेती हूँ और इसमें मैं लूँगी कर्ड और ले लेती हूँ ब्राउन शुगर। अच्छी तरह से मिला लेंगे। शुगर डिजॉल्व होने तक हम इसे बिस्क करेंगे, बिस्क की हेल्प से इस तरह। ये देखिए अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, फ्लेवरलेस, कलरलेस, और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तब तक मिलाएंगे तब जब तक कि ये अच्छी तरह से मिल ना जाए। ये देखिए अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी वेनिला एसेंस। अब मैं जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाकर रखे थे अब उसे ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा। फोल्ड एंड कट मेथड से अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है ताकि हमारे बैटर में लम्स ना आए। केक का बैटर थोड़ा थिक ही होता है, इस तरह से फोल्ड एंड कट मेथड से बनाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो ड्राइड फ्रूट्स हमने सोक किए हैं उन्हें। इसे पहले अच्छे से मिला लेते हैं। इसी में मैं ऐड करूंगी, थोड़े से बचा ले रही हूँ टॉपिंग के लिए, वॉलनट, आलमंड,
थोड़ा टॉपिंग के लिए रख लेती हूँ, और कैशू नट टॉपिंग के लिए रख लिया। इस तरह से मिला लेंगे अच्छी तरह से, और हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसे ग्रीस किए हुए टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए बैटर अच्छी तरह से मिल गया है। मैंने ओवन 180 पर 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है। ये देखिए मैंने टिन को ग्रीस कर लिया है ऑयल से अच्छी तरह से, कॉर्नर अच्छे से ही ग्रीस करना है। अब मैं इसमें अपना बैटर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब हम इसे टैप कर लेते हैं ताकि हमारे बैटर में एयर बबल ना रहें। इस तरह से हमने टैप कर लिया है। अब हम इसमें टॉपिंग में ड्राई फ्रूट्स और ड्राइड फ्रूट्स डालेंगे। वॉलनट, कैश्यू नट और एलमंड अच्छे से टॉप पर टॉपिंग कर देंगे। और अब हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है, 180 पर 30 मिनट बेक करेंगे। ये देखिए केक बेक हो गया है। इसे मैंने फर्स्ट 30 मिनट लगाया, उसके बाद हमारा केक बेक नहीं हुआ था इसलिए 10 मिनट और लगाया मैंने, और हमारा केक बेक हो गया है। ये देखिए अब इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से नाइफ ली और ये देखिए बेक हो गया है। अब इसे हम केक बोर्ड पर ले लेते हैं इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट भी है केक, मॉइस्ट भी अच्छा लग रहा है। अब आप भी बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए।